हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, वी आर क्वेयर में आज आप सुनने जा रहे हैं लंबी रात के बाद का सवेरा कहानी का चौथा एपिसोड। इस कहानी के बाकी के एपिसोड को सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हम लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे। ये कहानी आप में से ही हमें किसी ने भेजी है, जिनका नाम जय है, और जय की ये कहानी आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के आज की ये कहानी शुरू करते हैं। अजय ये जब सुना कि मैं उससे अभी तक नहीं भुला पाया, तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे जाने दिया। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। अब उस दिन के बाद से अजय मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस करने लगा, और अब उसका पछतावा साफ दिखता था मैसेजेस में। अब वो गंदी गंदी बातें नहीं करता था, और ना ही मुझे परेशान करना उसे अच्छा लगता था। अब ना ही वो मुझसे फिजिकल होने की ज़िद करता था, बहुत चेंजेस थे। बस वो मुझे अच्छी अच्छी बातें करता कि मैं कैसा हूँ, ये सब पूछता। अब हमारी रोज़ बातें होने लगी। अजय के लिए जो मेरे दिल में प्यार था, वो बाहर आने लगा। शायद अजय को मेरा प्यार दिखने लगा था। अजय मुझसे कई बार कहता कि उसके घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जिसके साथ वो सरवाइव नहीं कर सकता। मैं उसकी बातें सुनता था, उसे समझाता था। वो कहता कि मैं नहीं जीना चाहता इसी फैमिली में, मुझे मर जाना चाहिए। पर मैं उसको बार बार समझाता कि तुम्हारे माता पिता हैं वो, उनके लिए ऐसी सोच मत रखो कि वो बुरे हैं, उन्होंने तुमको पाला पोसा बड़ा किया। पर मेरे लाख समझाने पर भी अजय नहीं समझता था। अब अजय मुझसे मिलने के लिए बुलाता भी था, पर मैं मन बदल देता था उसका, ये कहकर कि सही वक्त नहीं है। मैं मना कर देता था, बात टाल देता था। और इसकी वजह वो खुद ही था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि वो पहले जैसा ना हो जाए, मुझे बस इस्तेमाल करने ना लगे। पर मेरा ऐसा सोचना गलत साबित कर दिया अजय ने। वो मुझे अब टाइम देने लगा, मेरे साथ फिर से मंदिर जाने को कहता। हम अब काफ़ी करीब आ गए थे, और हमारे बीच की जो गलत फहमियाँ थी वो दूर हो चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद मैं और अजय फिर से मंदिर गए, और अब मुझे दिख रहा था कि अजय मुझसे कुछ कहना चाहता था, मगर बोल नहीं पा रहा था। मैंने पूछा अजय से कि क्या हुआ, तब अजय ने कहा कि याद है तुमको, मैंने तुमको कहा था कुछ। मैंने बोला क्या। मैंने कहा था कि मैं प्यार नहीं कर पाऊँगा कभी ज़िंदगी में, पर मेरा वो कहना आज गलत साबित हुआ। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ है तुम्हें। अजय ने बोला कि मुझे प्यार हो गया है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हारी हर एक बात मेरे दिल में घर कर जाती है, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, पहले ऐसा नहीं था पर अब मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। ये सब जब हुआ तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या हुआ है, पर अब कह सकता हूँ आई लव यू जय। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ और इमोशनल भी, और मैंने अजय को हाँ कह दिया और आई लव यू टू कहा। मैं सच कहूँ तो जो मैं सोचता था जिस बारे में कि ये ऐसा हो जाए, अजय को मुझसे प्यार हो जाए, फाइनली वो दिन आ गया था। हम बहुत खुश थे, हम मस्ती मजाक करते हुए अब वापस घर लौटाए मंदिर से। अजय ने कहा कि रात को आ सकता है मेरे घर, मैंने फट से हाँ कहा। फिर मैं रात को अजय के घर गया। अजय अपने रूम में है, ऐसा अजय की माँ ने कहा। मैं अजय के रूम में चला गया। रूम को अजय ने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, अंदर बलून्स थे, कैंडल्स जल रही थी, मानो को कोई सपना हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना खूबसूरत सरप्राइज कभी अजय एक लड़के को दे सकता है। ऐसा रूम डेकोरेट किया था अजय ने, क्या ही बताएं। नए कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अजय ने मुझे देखकर स्माइल किया और बोला, कैसा लगा मेरा सरप्राइज। मैंने कहा, बहुत ही सुंदर यार, ये कब सोचा तुमने, मुझे कुछ बोला भी नहीं। अजय ने कहा कि सरप्राइजेस थोड़ी बोल के देते हैं, चलो आओ साथ में खाना खाते हैं। अजय ने बाहर से मंचूरियन मंगा रखा था, हमने साथ में खाया, एक दूसरे को भी खिलाया, बहुत ही प्यार भरा माहौल होने लगा, एक सपने के जैसा। अब हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और किस किया, और अजय ने और मैंने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए।
और इस बार ये प्यार में था। मैं बहुत खुश था कि अजय को मैं पसंद हूँ। अब दिन बीतते गए, हम दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अजय और मेरा प्यार अच्छा खासा जिंदगी जी रहे थे हम दोनों। मैं बहुत खुश था, पर मेरे घर के हालात अब बिगड़ने लगे थे। पापा की अकेले की कमाई से घर नहीं चल रहा था। मैंने सोचा मैं भी कहीं जॉब ढूंढ लेता हूँ, हेल्प हो जाएगी और फैमिली का सपोर्ट कर पाऊँगा। मैंने अजय से बात किया इस बारे में कि कोई जॉब हो तो मुझे बताए। अजय ने मुझे एक कारखाने का एड्रेस दिया। अजय भी जॉब के लिए वहीं जाने वाला था। मैंने कहा कि यार हम दोनों साथ में ही चलते हैं ना वहाँ, और हम एक दो दिन बाद जॉब के लिए गए कारखाने। वहाँ हमने इंटरव्यू दिया, हम दोनों सेलेक्ट भी हुए और अब हम साथ में जॉब भी करने लगे। जॉब का टाइम थोड़ा लंबा था, मगर अजय के साथ तो बस एडजस्ट हो जाता था। समय कैसे गुजरता था पता नहीं चलता था, मगर अब अजय के घर की सिचुएशंस बिगड़ रही थी। लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होने लगा था, अजय परेशान रहने लगा था। वो अपने मम्मी पापा दोनों को नहीं समझा पा रहा था। दोनों के लड़ाई झगड़े से अजय के मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी। मैं अजय को समझाता कि कोई हल निकल जाएगा। असल में अजय के मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से अजय का दिमाग सच में ख़राब हो चुका था। वो बस मरने की बात करता, बहुत निगेटिव हो चुका था। कुछ महीने तक ऐसा चलता रहा। अजय परेशान होकर सच बोलूं तो गलत रास्ते पे जाने लगा। अब अजय शराब का सहारा लेने लगा। मैंने उसको बहुत समझाया पर वो कुछ समझना ही नहीं चाहता था। उसकी फैमिली की प्रॉब्लम से वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीने लगा था, जिस वजह से मैंने उससे लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए। मैं नहीं चाहता था क्योंकि वो शराब पिए। मैं उसको समझाता रहता पर वो शराब को भूलता ही नहीं था। हर वक्त शराब की लत लगने लगी। अजय ने मुझसे कहा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गम है। एक तुम हो जिसके पास सुकून तो मिलता है, पर जिस घर में रहता हूँ वहाँ इतना सुकून नहीं है। मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता है। एक काम करो, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है जय, तुम कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लेना मेरे मर जाने के बाद, मैं नहीं जीना चाहता। ऐसी बहकी बहकी बातें सुनकर मैं अजय के लिए बहुत दुखी रहने लगा। और एक दिन अजय के घर फिर से लड़ाई हुई, बहुत तगड़ी वाली। लड़ाई तो ख़त्म हो चुकी थी लेकिन अजय के मन को क्या हुआ भगवान जाने। और फिर उसने फाइनली वो डिसीज़न ले लिया जिसके बाद मेरी ज़िंदगी तबाह होने लगी। उसने पंखे से लटक कर रात को ही फांसी लगा ली। मैं जब सुबह उठा और जॉब के लिए निकला तो देखा कि अजय के मॉम डैड रो रहे थे। मैंने ध्यान से देखा तो अजय की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उसे देख करके मैं एकदम शॉक्ड हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ क्या करूँ, ये क्या हो रहा, ये सपना तो नहीं। मैं हड़बड़ाते हुए अजय की लाश के पास गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कैसे क्या रिएक्ट करूं। मेरा सब कुछ लूट गया था। मैं डर के वजह से कांप रहा था, मेरे शरीर में जान नहीं थी। मुझसे अजय की वो पड़ी हुई लाश देखी नहीं जा रही थी। मुझे उसका हंसना मुस्कुराना, उससे बात करना, समय बिताना सब कुछ याद आ रहा था। मैं भागते हुए वहाँ से अपने घर आया और कमरे में जा कर के रोने लगा। मुझे उस वक्त हमारी सारी यादें नज़र के सामने आ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा। प्यार को खोने का दर्द क्या होता है वो मुझे उस दिन पता चला और आज भी मुझे वो दिन याद है। मैं जब भी उस दिन को याद करता हूँ मेरी रूह जो है वो सिहर जाती है। जब अजय की डेथ हो गई थी मेरा प्यार मुझसे दूर चला गया। मैंने बहुत संभाला खुद को और मैं अजय की लाश के साथ शमशान भी गया। शमशान जाने के बाद अजय को जलाया गया। मैं बस देखता रहा, मैं रोकना चाहता था पर मैं कुछ कर भी ना सका, वो जा चुका था। मैंने अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था पूरी तरह से। मुझे बहुत ही गलत विचार आ रहे थे मन में कि मैं भी उसी चिता पर लेट जाऊं और मर जाऊं। मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं शमशान में बैठकर, मेरे सामने चिता जल रही थी और मैं वहाँ से उठना नहीं चाहता था। मेरे और अजय के बीते हुए पलों को मैं याद करने लगा। उसे पहली बार देखा था तब से लेकर आखिरी बार तक का सारा सफ़र सब मेरे आंखों के सामने आ रहा था। मैं मन ही मन बहुत दुखी था। मैं वहाँ काफ़ी समय तक बैठा रहा। तब कार्तिक मेरे पास आया और बोला, चल भाई घर नहीं जाना क्या? वो भी बहुत दुखी था। उसके इतना कहते ही मैं फूट फूट कर रोने लगा। कार्तिक ने बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, मेरा प्यार अब इस दुनिया में नहीं रहा यार, मेरा मन कर रहा है कि मैं भी खुद को ख़त्म कर लूँ। और फिर जो भी हुआ
दोस्तों आपको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे। लव इज लव, निलय का ढेर सारा प्यार।